नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिजिटल विला में। मेरा नाम है अभिषेक पांडे। दोस्तों, इस पर्टिकुलर चैनल पर हम ब्लॉकिंग से रिलेटेड या प्लगिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज इस पर हम बताते हैं। दोस्त, आपका एडसेंस का अर्निंग है या यूट्यूब से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, उससे रिलेटेड हम वीडियो इस पर बनाते रहते हैं। देखो दोस्त, डिजिटल विला पे आज हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि हम पुश नोटिफिकेशन का जो सिंबल होता है उसे कैसे लगाते हैं, जो अपने वेबसाइट में, वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे लगाएंगे, वही हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, पहले लगाने से पहले मैं आपको बताता हूँ उसका बेनिफिट क्या है। देखो, जैसे कि मान लो कि एक मेरा ब्लॉग है जिसपे की पुश नोटिफिकेशन लगा हुआ है, जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश। आप देख सकते हो नीचे आकर कि देखो, इसमें जो सब्सक्राइब है, जो लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, वो 2.7K है। यानी जब भी अपना मैं ब्लॉग पोस्ट डालता हूँ तो 2.7K लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता है। तो आप समझ सकते हो कि चाहे आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हुआ हो या ना हुआ हो, फिर भी इतने लोग तो एटलीस्ट आपके ब्लॉग पोस्ट पर जाके एक बार देखते जरूर होंगे। इससे हमारा ऑडियंस जो होता है बनता है, ऑडियंस हमारे बढ़ते हैं, और जितना पोस्ट नोटिफिकेशन लगेगा उतना हम अपने ऑडियंस को गेन कर सकते हैं, ठीक है, उतने लोगों तक पहुंच सकते हैं। दोस्त, सवाल होगा कि पोस्ट नोटिफिकेशन पहले होता क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये मेरा वेबसाइट है और यहाँ मैंने अपने वेबसाइट का यूआरएल टाइप किया और इसको सर्च किया, तो आप देखोगे कि ये सर्च हो रहा है और आप देखोगे कि जो पुश नोटिफिकेशन का वो होता है, एक तरीके से देखो ये आ गया पुश नोटिफिकेशन है, ये पॉपअप टाइप का आता है। यहाँ अलाउ करोगे तो फिर आप इस लिस्ट में जुड़ जाओगे, यानी एक बंदा और इस लिस्ट में जुड़ जाएगा हमारा। मतलब जब भी हम पोस्ट डालेंगे तो उसके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, जो कि साइट से यहाँ से आता है, यहाँ नोटिफिकेशन उसको जाएगा। तो इसी तरीके का हमें नोटिफिकेशन लगाना है, पोस्ट नोटिफिकेशन अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में, वो आपको बताता हूँ किस तरीके से लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आपको शुरू कर पहले अपने डैशबोर्ड में जाना है, जो भी आपका वेबसाइट है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में आप जैसे जाओगे, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। तो उस प्लगइन को हम एक बार देख लेते हैं दोस्त, कौन सा प्लगइन है। आपको उस प्लगइन को यहाँ पर सर्च मारना होगा, एड न्यू प्लगइन करना होगा, और यहाँ पर आप सर्च करोगे वन सिग्नल। जैसे ही आप टाइप करोगे, देखोगे दोस्त, जो पहला प्लगइन आपको दिखेगा उसी को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये रहा वो प्लगइन, ठीक है, वन सिग्नल वेब पुश नोटिफिकेशन, ठीक है। इसको आपको क्या करना है कि इंस्टॉल करना है। हालांकि मेरे पास ये एक्टिव है तो मेरे को इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्त, कि जब आप इसे एक्टिवेट कर लोगे तो यहाँ नीचे एक टैब आ जाएगा जहाँ पर आपको वन सिग्नल पुश का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्त, आप देखोगे कि सेटअप या कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन है। सेटअप में आपको ऐप आईडी डालना होगा और REST API की डालना होगा, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएगा, सेटअप में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये आपको आईडी पहले कहाँ मिलेंगी ये आपको देख लेना होगा, और उसके बाद अलग जो सेटिंग है और सारे सेटिंग मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको करना होगा नीचे तक। सबसे पहले अपने को ये ऐप आईडी फाइंड करना है। इसके लिए जैसे आप सेटअप पर क्लिक करोगे तो आपको इसको नेक्स्ट टैब में खोल लेना है वन सिग्नल को, और यहाँ जब आप खोल लोगे तो फिर आपको अपना एक साइनअप करना है। साइनअप आप कर सकते हो किसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी से, जिस भी ईमेल आईडी से आप यहाँ पे साइनअप करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो। और साइनअप करने के बाद फिर आपको यहाँ पर देखो, यहाँ तो मेरा लॉगिन है तो ये लॉगिन वाला दिखा रहा है, मैं इसको वो कर लेता हूँ लॉग आउट। तो देखो यहाँ पे आपको साइनअप कर लेना है, ठीक है, या तो आप साइनअप कर लो या अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लो। तो मैं लॉगिन कर लूँगा, आप यहाँ साइनअप कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉगिन उन पर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं कोई सा ईमेल एड्रेस चूज करके अपना लॉगिन कर लूँगा जिससे मैंने कर रखा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप वो फाइंड कर पाओगे, जो API है और चैनल आईडी है उसको कैसे आप ढूंढोगे। तो इस तरीके से ये खुल जाएगा। ये मेरा अभी न्यूली है तो इस पर अभी कोई यूज़र अभी है नहीं, मैंने अभी इसको सेटअप किया है। तो दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो आपका है, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन देगा सेटिंग का। आप सेटिंग में जाओगे और सेटिंग में जाने के बाद आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खोल के आ जाएंगे जिसपे आपको देखना होगा। अभी अपने को जाना है की एंड आईडीज पर। सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे साइनअप करने के बाद, तो आपको की और आईडी पर जाना होगा। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्त, आपको अपना जो आईडी जो यहाँ पे डालने के लिए ऑप्शन है, जैसे कि एक तो हमारे पास है ऐप आईडी और दूसरा है REST API की, ये आपको यहाँ पर दिखा देगा। चलिए देख लेते हैं। ये रहा देखिए, यहाँ पे आ गया आपका कि ऐप आईडी ये है और REST API की है। तो इसको आप सिंपली कॉपी कर लोगे और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आप REST API की जो है इसको भी आप कॉपी कर लोगे और फिर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब दोनों जब ये पेस्ट हो गया दोस्त, तो फिर आपको ये अब सेटिंग को जरा ध्यान से देखना है। सेट नोटिफिकेशन सेटिंग, यूज़ द पोस्ट फीचर इमेज फॉर द नोटिफिकेशन आइकन। यानी जो भी आपकी पोस्ट जो आप लिख रहे हो उसका फीचर इमेज जो होगा वो आपको दिखाएगा नोटिफिकेशन में। जैसे ही किसी का नोटिफिकेशन आएगा तो फीचर इमेज के साथ साथ वो दिखाएगा उसको। यूज़ द पोस्ट फीचर इमेज फॉर क्रोम लार्ज नोटिफिकेशन इमेज।
चाहो तो आप लार्ज नोटिफिकेशन भी दिखा सकते हो या छोटा सा भी आप उसको दिखा सकते हो। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि थोड़ा देर बाद नोटिफिकेशन अपने आप हट जाना चाहिए, या तो आप यस सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पर, ठीक है, या नो कर लोगे, तो नहीं हटना चाहिए यही अच्छा है, तो आप नो कर लोगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन टाइटल आप दोगे तो यहाँ पे अपना आप पर्टिकुलर जो ब्लॉग है उसका नाम लिख सकते हो। अब यहाँ पे इसे इनेबल करना है, सेंड नोटिफिकेशन एडिशनली टू iOS एंड एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, कि मतलब नोटिफिकेशन सिर्फ डेस्कटॉप पे जाना चाहिए या इन पे भी जाना चाहिए, जैसे कि फ़ोन पर आना चाहिए या अगर किसी का iOS वर्जन है, जैसे कोई आईफोन चलाता है तो उस पे भी जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यस कर देंगे क्योंकि सब पे जाना चाहिए नोटिफिकेशन। उसके बाद आपको ये करना है कि ऑटोमेटिकली प्रॉन्ट न्यू व्यूअर्स विथ वन सिग्नल स्लाइड प्रॉम्प्ट बिफोर नेटिव ब्राउजर प्रॉम्प्ट, ये रिकमेंडेड है दोस्त, इसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ आपको फिर कुछ नहीं छेड़ना है, फिर नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद दोस्त सेंड न्यू यूजर वेलकम पुश नोटिफिकेशन आफ्टर सब्सक्राइबिंग, मतलब जैसे ही आपको आप इसको सब्सक्राइब करोगे यानी अलाउ बटन पर क्लिक करोगे आपको एक वेलकम सा मैसेज जाएगा, तो इसको आप ऑन रखें। फिर आपको ये करना है ऑटोमेटिकली सेंड अ पुश नोटिफिकेशन व्हेन आई क्रिएट अ पोस्ट आफ्टर द वर्डप्रेस एडिटर, मतलब क्या है कि जब भी मैं एक पोस्ट क्रिएट करूं, जैसे ही मैं उसको पब्लिश करूं लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए, तो इसको आपको ऑन करना है। फिर आपको नीचे आना है दोस्त, और फिर आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेटिंग को यहाँ से सेव कर दोगे दोस्त, आपका पुश नोटिफिकेशन लग गया होगा। चलिए देख लेते हैं इसको, नेक्स्ट टैब में जाकर यहाँ हमारा डोमेन डालते हैं, देखते हैं कि हमारा पुश नोटिफिकेशन लगा है कि नहीं। देखिए पुश नोटिफिकेशन हमारा लग गया है। आप चाहो तो यहाँ पे अपना जो आपका वेबसाइट है उसका लोगो लगा सकते हो, और फिर यहाँ पे जैसे कोई अलाउ पे क्लिक करेगा, जैसे यहाँ पे किसी ने अलाउ पे क्लिक करा तो उसको एक ये मैसेज जाएगा, ठीक है, और वो आपका सब्सक्राइबर बन जाएगा। और जैसे ही आपका जो सब्सक्राइबर बनता जाएगा, आपके यहाँ पर जो डैशबोर्ड होगा, जो आपने डैशबोर्ड चूज किया वहाँ पर वो अपडेट होता रहेगा अपने आप, वहाँ पर जो भी लोग जुड़ेंगे वहाँ पर वो नंबर बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पुश नोटिफिकेशन लगाना है दोस्त। वन सिग्नल वन ऑफ द बेस्ट है, मैं इसको बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको भी इसको यूज़ ज़रूर कर लेना चाहिए। सो बस इसी तरीके से करना है, ये आपके ऑडियंस को गेन करता है, और इस तरीके से आप पुश नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में दोस्त इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग एल्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।